आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नई आवक के दबाव में देश भर की मंडियों में प्याज के दाम तेजी से गिरे हैं। महीने भर में भाव घटकर आधे रह गए हैं। कारोबारियों के मुताबिक आने वाले दिनों में प्याज की कीमतों में और गिरावट आ सकती है। प्याज के दाम घटने की वजह नई फसल की पैदावार बढ़ने को माना जा रहा है और इस समय सभी उत्पादक राज्यों से रबी सीजन वाली प्याज की आवक जोरों से हो रही है। महीने भर में मुख्य प्याज उत्पादक राज्य महाराष्ट्र की मंडियों में प्याज के दाम 700 से 2800 रुपए से घटकर 500 से 1400 रुपए, दिल्ली की आजादपुर मंडी में दाम 1250 से 3300 से घटकर 800 से 1800 रुपए प्रति क्विंटल रह गए हैं। इस समय देश में सभी उत्पादक राज्यों में रबी सीजन के प्याज की आवक हो रही है। आवक के दबाव में प्याज के दाम तेजी से गिर रहे हैं। एक महीने में ही भाव घटकर आधे रह गए हैं। रबी सीजन में प्याज की पैदावार पिछले साल की तुलना में 10 से 15% बढ़ने की संभावना है, क्योंकि इस साल किसानों ने काफी प्याज लगाया है। दिल्ली की आजादपुर मंडी में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान से प्याज की खूब आवक हो रही है, जिससे प्याज सस्ता हुआ है। बीते महीने आवक में देरी के कारण इसके दाम बढ़े थे और अब आवक सुधरने से दाम नीचे आ गए हैं। कारोबारियों के मुताबिक आने वाले दिनों में प्याज की कीमतों में मंदी ही रहने की संभावना है। आगे प्याज और सस्ते होने के आसार हैं, क्योंकि आवक और जोर पकड़ेगी और आगे नवरात्रे भी हैं। नवरात्रों में लोग नॉनवेज, लहसुन और प्याज कम खाते हैं, जिससे इनकी खपत घटती है और कीमतें नीचे आती हैं। अगले 10 से 15 दिनों में प्याज के दाम घटकर 10 रुपए किलो तक आ सकते हैं। राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान व विकास प्रतिष्ठान के अनुसार मार्च महीने में 12 मार्च तक करीब 16 लाख क्विंटल प्याज की आवक हो चुकी है। पिछले महीने 30 लाख क्विंटल आवक हुई थी। कारोबारियों का कहना है कि आवक आगे और तेजी से बढ़ेगी, लिहाजा पिछले महीने की तुलना में इस महीने आवक काफी ज्यादा रहेगी। वर्ष 2020-21 में 268 लाख टन प्याज का उत्पादन हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।